हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे गिलोय का काढ़ा बनाने की रेसिपी। कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गिलोय को बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दो लोगों के लिए काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 नीम के पत्ते, अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 तुलसी के पत्ते, 4 से 5 गिलोय के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 मिक्सर के जार में आपको ये सब चीज़ें बताई गई मात्रा में लेना है। अदरक को काट कर उसके टुकड़े कर लें। गिलोय को अच्छी तरह खलबट्टे में कूट लें। मिक्सर के जार में सभी चीज़ों को डालकर उसमें थोड़ा पानी डालें और अच्छे से पीस लें। अभी इस मिक्सचर को एक पतीले में डाल दें, उसमें करीबन 1.5 ग्लास पानी डालें। अब इसे 10 से 15 मिनट तक उबालें। कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गिलोय को बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। गिलोय को गुड़वेल, गुड़ुची, अमृता, अमृतलता, अमृतवल्ली, चक्रलक्षणा, रसायनी, ज्वरनाशी इत्यादि नामों से जाना जाता है। गिलोय डेंगू, मलेरिया, बुखार, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही गुणकारी है। गिलोय हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। गिलोय का इस्तेमाल आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द जैसे बीमारियों को भी कम करता है। गिलोय का काढ़ा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है, सर्दियों के दिनों में ज़्यादा ठंड लगने से बचाता है तथा गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी से बचाता है। अभी इन सभी चीज़ों का अर्क काढ़े में अच्छी तरह आ गया है। अभी इस काढ़े को 1 ग्लास में छान लें। तो दोस्तों, अब ये काढ़ा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।